दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर प्रोफेसर योगेश सिंह हमारे साथ वाइस चांसलर हैं, जो अपनी बात रखते आए हैं। और आज भी सर, जब हम बात कर रहे हैं, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं थैंक यू। आपका हमसे बात करने के लिए। टीचर रिक्रूटमेंट बहुत जोरों शोरों से शुरू हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट का काम है, ये रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। जब ये रेगुलर नहीं होता है तो बहुत सारा बैकलॉग खड़ा हो जाता है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत साल से बैकलॉग हो गया हमारे पास, 4-5 हज़ार वैकेंसीज हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि उन वैकेंसीज पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स तो हैं, वो एडहॉक काम कर रहा है, कोई टेम्परेरी काम कर रहा है, कोई विजिटिंग काम कर रहा है। तो उससे हमने को लगता है कि रेगुलर टीचर होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये चाहती है कि रेगुलर टीचर्स हों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 6-8 महीने से रेगुलर इंटरव्यूज शुरू किए हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20 दिन महीने में इंटरव्यूज चलते हैं, और करीब करीब 1200 से ज़्यादा हमने कॉलेजेस में टीचर्स अपॉइंट किए हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी करीब 125 से ज़्यादा टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई है। दूसरा होता है जो इंटरनल टीचर्स काम करते हैं, प्रमोशन का उनके केसेस पड़े रहते हैं बहुत बहुत साल तक। अब हमारे पास कोई पेंडेंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि 5,000 से ज़्यादा टीचर्स को प्रमोशन हुआ है। तो ये अगर हम कर पाए हैं तो इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, निगेटिविटी कम होती है सिस्टम के अंदर, और जब बाहर से भी लोग आते हैं तो उनको भी एक फ्रेश आइडियाज सिस्टम के अंदर आते हैं। तो रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और आपको हैरानी होगी, एक डिपार्टमेंट है, नाम लेना अच्छा नहीं होता, मैं अभी हमने इंटरव्यू किया यूनिवर्सिटी में, वो 91 के बाद इंटरव्यूज नहीं हुए थे, कोई उसमें रेगुलर टीचर डिपार्टमेंट में बचा ही नहीं था। तो हमने आज 7-8 टीचर्स रिक्रूटमेंट किए। तो वो एक रेगुलर काम है जो हमको करना है, और हम लोग रेगुलर करेंगे तो पेंडेंसी उसकी भी खत्म हो जाएगी। सर, ऐसी चीजें अब शुरू हो रही हैं। आप कह रहे हैं 91 से नहीं, रिक्रूटमेंट, एक डिपार्टमेंट की बात कर एक रहा हूँ, वैसे तो डिपार्टमेंट होते में रहे नहीं हैं हुआ था। रिक्रूटमेंट, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे पर जो दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी आपको पत्र लिख रहे हैं, और पत्र लिखकर यही कह रहे हैं कि क्योंकि 28 गवर्निंग बॉडीज बन जाने दीजिए, उसके बाद ही रिक्रूटमेंट कीजिए, जो तो उचित रहेगा। नहीं, उन्होंने दो चिट्ठी लिखी हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। देखिए, ये गवर्निंग बॉडी 1 महीने पहले तक तो थी, 1-1.5 महीने पहले तो पूरी थी, उनका टेन्योर पूरा हुआ, एक्सटेंशन उनका हो नहीं पाया, तो इस कारण से नई गवर्निंग बॉडी बननी है। अब वो कहे उन्होंने कहा है कि गवर्निंग बॉडी का अब बनने का इंतजार कीजिए। अभी हम वैसे तो इंतजार ही कर रहे हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि 12 कॉलेजेस हैं जो 100% दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड हैं, वहाँ पर इंटरव्यू हो ही नहीं रहे, अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ है। दूसरा है कि 16 कॉलेजेस जहाँ 95% गवर्नमेंट UGC से ग्रांट आती है, और थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो ग्रांट है, और 5% दिल्ली गवर्नमेंट से आती है। उन कॉलेजेस में भी जो इंटरव्यू चल रहे हैं, वहाँ केवल 2 कॉलेजेस में चल रहे हैं इस समय। एक कॉलेज वो कॉलेज है जहाँ पर कि गवर्निंग बॉडी पूरी ऑलरेडी है, तो उस चिट्ठी का कोई असर उस पर है नहीं। दूसरा एक कॉलेज है जहाँ पर कि गवर्निंग बॉडी पूरी नहीं है, पर गवर्निंग बॉडी तो है, वो इंटरव्यू पहले से चल रहे हैं। तो इस तो बहुत बहुत अभी ना ये छोटी सी प्रॉब्लम है अभी तो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि गवर्निंग बॉडी जल्दी से जल्दी बन जाए, जिससे सभी कॉलेजेस में इंटरव्यू शुरू हो पाए। तो इसको लेके कोई आपका कोई जवाब जो आपने मनीष सिसोदिया जी को दिया हो इसको नहीं, लेकर? अभी हम दिल्ली सरकार से इसमें हमारी बातचीत चल रही है कि जल्दी से जल्दी गवर्निंग बॉडीज बन जाएं। ऑल्दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें एक लिस्ट जो गवर्निंग बॉडी के लिए भेजी हुई है, उस की किस फॉर्मेशन के लिए जो एक्सपर्ट्स उन्होंने देने होते हैं, मेंबर्स देने होते हैं, वो लिस्ट हमारे पास आई हुई है, और अभी हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बात चल रही है, तो बहुत जल्दी ही बन जाएंगे गवर्निंग बॉडी। ज़्यादा चिंता की बात नहीं, जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा ये इशू। सर, इसके साथ साथ CUET पर भी जो सवाल उठ रहे थे, बहर फिलहाल एग्ज़ाम करवा दिए गए, बच्चों का एडमिशन भी करवा दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी पिछले साल जो नहीं भर पाए आप, क्योंकि जो बच्चे थे पहले से ही दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन का माहौल था। तो क्या आप अब आगे आने वाले CUET एग्ज़ाम्स को किस तरीके से थोड़ा सा देखेंगे, ना क्या मैं, हाँ, चैलेंजेस थोड़ा सा मैं रहेंगे? इसमें क्लैरिफाई करता हूँ। पहले तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत इम्पैक्ट था कि बहुत सारी जगह एडमिशन बच्चों ने ले लिया था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, थोड़ा बहुत कहीं होगा। क्या है कि पहले भी सीट्स खाली रही हैं हर साल, क्योंकि कई कोर्सेज ऐसे हैं जो पॉपुलर कोर्सेज अब रहे नहीं, कोई लेना नहीं चाहता उन कोर्सेज को, कुछ कुछ इस तरह से बच्चे वहाँ नहीं जाना चाहते, तो वो चाहते हैं कि अच्छे कोर्सेज में एडमिशन हो। तो पहले जो मार्क्स बेस्ड सिस्टम था उसमें क्या होता था कि कट ऑफ आता था कि 95% किसी कॉलेज ने किसी कोर्स को निकाला है तो उससे ऊपर सबको एडमिशन हो जाता था, तो ओवर एडमिशन बहुत होते थे, और कहीं कहीं पे कम होते थे तो नंबर तो जोड़ें जोड़ें तो पूरा सा हो जाता था।
अभी क्या है कि हर सीट अलग से काउंट होती है, क्योंकि हमारा जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है सॉफ्टवेयर से करते हैं, और अगर स्टूडेंट नहीं चाहेंगे तो वो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ही चॉइसेस भरनी होती हैं। पहली बार था शायद स्टूडेंट्स ने पूरी चॉइसेस नहीं भरी, हमने 3-4 बार ऑप्शन भी दिया कि आप चेंज कीजिए चॉइसेस, बहुत सारे बच्चों ने करी भी चेंज, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कोर्सेज वो नहीं लेना चाहते। अब बार बार राउंड जब चलता है तो हर बार पूरी सीट भर दी जाती है, लेकिन स्टूडेंट उस समय कहते भी हैं कि हम लेना चाहते हैं, फाइनली वो नहीं लेते क्योंकि उनको वो कोर्स पसंद नहीं आ रहा। ये बात हमको समझ आई है, तो हम और तरीके भी सोच रहे हैं, नई स्ट्रेटजीज बना रहे हैं जिससे कि सारी सीटें भरी जा सकें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, किसी भी कोर्स उसमें नहीं रहनी चाहिए। आगे हम इस पर और काम करके मुझे लगता है इसको भी मिनिमाइज करेंगे बिल्कुल। अच्छा, जैसे सर आपने कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसमें भी 100% जो सीटें हैं वो सीयूईटी से ही भरी जाएंगी। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि वहाँ बहुत कम बच्चे उन लैंग्वेजेस को पढ़ना चाहें, पंजाबी तो पढ़ना चाहेंगे, हिंदी भी पढ़ना चाहेंगे, इंग्लिश भी पढ़ना चाहेंगे, पर ऐसी कई लैंग्वेज कोर्सेज हैं जहाँ मान लिया शुरू हो गए और वहाँ पे नहीं चाह रहे, पर मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की भी जो सीट्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशल फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में लोग अप्लाई करें और उनकी सीट्स भी भरें। तो सेंट स्टीफन्स के अगर हम बात करें, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सीट भरने की, तो वहाँ तो इशू दूसरा है। तो क्या इशू है सर, क्योंकि वहाँ पर जो है, और ऐसे सेंट स्टीफन्स ही नहीं, जो भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें 50% कोटा जो है उनके ही क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो क्या रोड मैप रहेगा? देखो ऐसा है कि जो स्टीफन्स है हमारा बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और बहुत अच्छा करता है वो, उनका जो एडमिशन का था कि वो माइनॉरिटी जो सीट्स हैं उस पर 15% पे वो टेस्ट इंटरव्यू लेते थे और उसका 85% वेटेज टेस्ट का होता था सीयूटी का। हमने उनको इस बार प्रोसेस फिर से चेंज किया है और हमने कहा है कि नहीं, अभी इस बार पूरा का पूरा सीयूटी से होगा, कोई वेटेज इंटरव्यू को नहीं होगा, जिस कारण से हमारे क्रिश्चियन जो बच्चे हैं उन सबको बराबर का अवसर मिल सके, अवसर कंप्रोमाइज ना हो। ऐसा हमें लगता है कि सीयूटी एक ट्रांसपेरेंट डिफाइंड सिस्टम है, सबके हित का सिस्टम है, और इस बार हमने ये तय किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं सब उसको फॉलो करेंगे, कहीं पर भी कोई इंटरव्यू का वेटेज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये एक प्रमुख तरीका होगा सीटें भरने का, और ताकि सीटें खाली ना रह जाए किसी भी इंस्टीट्यूट, नॉट जस्ट माइनॉरिटी? नहीं, ये अलग इशू है, इसका सीट भरने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो ये है कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है सबके लिए, उसके लिए इंटरव्यू को हटाना है, लेकिन सीट भरने के लिए और भी जो भी स्ट्रेटजीज हमें बनानी होगी हम बना रहे हैं, इस बार लगता है कि हम बेटर कर पाएंगे। अच्छा सर, इसके साथ साथ कुछ और भी जो नए कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी लाना चाह रही है, उसमें एक कोर्स आ रहा है हिंदू स्टडीज, तो इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत बात होती है, सब कहते हैं कि भारत में बहुत अच्छा ज्ञान था और उसको पढ़ाना चाहिए बच्चों को, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ऐसा बोलती है कि हमको प्रोविजंस बनाने चाहिए। अब हिंदू स्टडीज़ का हम कोर्स अगर बना रहे हैं, डिफरेंट उसके कोर्स होंगे, जो बच्चों को इंटरेस्ट होगा वो उसमें करेंगे, हमारा ओपन एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, तो जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहेंगे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जिनको इंटरेस्ट होगा, स्टूडेंट्स पे को कंपेल और फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये पढ़ो या ये मत पढ़ो या ये पढ़ो, आज की सोसाइटी में कंपल्शन की आवश्यकता भी कोई नहीं है। इस कारण से हम एक अपॉर्चुनिटीज अपने स्टूडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, देखें कितने स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं और कैसा कोर्सेज चलते हैं, ज़्यादा पॉपुलर होंगे तो ज़्यादा सेक्शन बनेंगे, कम पॉपुलर होंगे तो एक ही सेक्शन बनेगा, देखते हैं, पर एक ही अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। तो सर ऐसा क्या इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा जो एक छात्र अपने साथ आगे लेकर चल सकता है, कि उसकी जीवनी में उसका जो प्रयोग कर सकता है, चाहे वो नौकरी में हो या फिर और कोई अपॉर्चुनिटी में हो? देखिए, ये तो वैसे एक्सपर्ट्स बता पाएंगे, मेरा बताना उतना ठीक भी नहीं है इस पर मैं एक कॉमन सेंस से जनरल बात कह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है, ज्ञान जैसे गीता है, अब बहुत सारी आपने देखा होगा स्टॉल से बुक्स लगी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू गीता, या मेरे को भी कई बार लगता है कि जो मैं एडमिनिस्टर करता हूँ चीज़ों को, तो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल गीता का रखने की कोशिश करता हूँ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि, कि मतलब हमें काम करना है, अपना इंटरेस्ट नहीं रखना उसमें, लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम काम ही ना करें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से यदि हम अपना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो हमको ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं होती है,
तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अगर बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो उसका भी एक तरीका बदलेगा ना, दृष्टि बदलेगी चीज़ों को देखने की। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कलाम साहब कहा करते थे ये बात कई बार, कि कोई आदमी आता है तो सबसे पहले पूछता है कि व्हाट कैन आई गिव टू द सिस्टम, ऐसे भी लोग आते हैं, कुछ होते हैं व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम द सिस्टम, तो सारा फर्क वहीं से पड़ जाता है, कोई देने को आया है कोई लेने को आया है। आप देने वाले बनिए, आपको मान सम्मान सब मिलेगा, इतनी इतना ताकत हमारे सिस्टम के अंदर है, उसकी चिंता हमें। तो इस तरह बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, परंपरा की बातें हैं, और हमारी 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, तो हमारे लोगों ने, पुराने लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे ना कुछ अच्छा हुआ ही होगा ना। अगर हमने GDP भी हमारा बहुत अच्छा रहा, भारत में पैसा भी बहुत था, ज्ञान भी बहुत था, तो उसमें से जो जिसको अच्छा लगता है उसकी पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसका एक ये अटेम्प्ट है, शुरुआत है, अगर ये पॉपुलर होंगे कोर्सेज तो और कोर्सेज डिजाइन होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ये साथ में हमने सुना सर, इस बारी कॉन्वोकेशन में भी कुछ ऐसे जो चेंजेस हैं वो आने वाले हैं, अब रोब्स और कैप्स नहीं पहनेंगे छात्र, कुछ अंगवस्त्रम पहनने का। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने ये पहले ही चेंज किया है कि ये हमारा पुराना ब्रिटिशर्स के टाइम का एक सिस्टम था, जो हम ये रोब्स और हैट्स वगैरह पहनते थे, वो उनका सिस्टम था, वो चले गए, अभी सिस्टम भी जाना चाहिए था ऐसा सबको लगता था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी तय किया कि चलिए हम भी अब उससे बाहर आते हैं, तो अभी तो यह है कि सभी स्टूडेंट्स को एक अलग तरीके से पहनना होगा, जिसको कि आप अंगवस्त्र कह रहे हैं, या स्टोल होगा जो कि यहाँ पे और विश्वविद्यालय का लोगो उसमें लगा होगा, और बाकी भी मंच पे जितने लोग होंगे उनको भी उसी तरह से रहना होगा। तो एक नए तरीके का है और बहुत अच्छा है। 25 तारीख को हमारा कॉन्वोकेशन है, 99th कॉन्वोकेशन है, और भारत के राष्ट्रपति उसमें आ रही हैं जी। और ये एक अलग जो प्रथा है उसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रही है इससे। हाँ, बहुत सारी, देखिए हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है, हमने बहुत सारे नए नए काम शुरू करने की कोशिश करी। अभी एक और नया हमने एक आइडिया इम्प्लीमेंट किया है, इस बार होगा कि जो अनाथ बच्चे हैं जिनके कि पेरेंट्स नहीं रहे किसी भी कारण से, उनको हर कोर्स में हमने 2 सुपर न्यूमरी सीट्स 2 सीट्स की हैं, एक लड़के, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, कि उनको एडमिशन दिया जाएगा। बेसिकली क्या है कि जिसके पेरेंट्स नहीं है उसका जो स्ट्रगल है वो एक अलग तरह का स्ट्रगल रहता ही है, भले ही उसके पास पैसा हो या ना हो, दोनों बातें हैं पर स्ट्रगल तो है। उन सब बच्चों के लिए भी हमने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि हर कोर्स के अंदर यूनिवर्सिटी के 2 सीट्स रिजर्व होंगी, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव हमने, बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी पहल है उन तमाम बच्चों के लिए। कई बच्चों ने अपने कोविड में माता पिता को खो भी दिया। सर एक सवाल मैं आपसे BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर पूछना चाहूँगी। तमाम विश्वविद्यालय थे, उन्होंने उसे स्क्रीन करने की कोशिश की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये होने की कोशिश हुई, और कुछ छात्र थे जो स्क्रीनिंग करना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं करने दिया, और फिर एक विरोध प्रदर्शन में काफ़ी सारे छात्र जुड़ गए। देखो वो स्क्रीनिंग नहीं करना चाहते थे, वो यूनिवर्सिटी में इनडिसिप्लिन फैलाना चाहते थे, कैओस क्रिएट करना चाहते थे और एक अशांति का माहौल बनाना चाहते थे। हमारा पहला काम है कि यूनिवर्सिटी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, पढ़ाई लिखाई का माहौल रहे, यूनिवर्सिटी इसी काम के लिए है। इसलिए ऐसा कोई भी स्टेप हम उठाने नहीं देंगे जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को परेशान करता हो। क्या होता है, अगर आपका उद्देश्य कुछ है, बोल कुछ रहे हो, आप सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट देते हो, आप पुलिस के साथ में धक्का मुक्की करते हो, आप टीचर्स के साथ में मिसबिहेव करते हो, तो इस तरह का इनडिसिप्लिन न तो किसी विश्वविद्यालय को टॉलरेट करना चाहिए, पर मैं किसी की बात नहीं कर रहा, पर हम तो नहीं टॉलरेट करेंगे। अभी हमने एक कमेटी बनाई है जो देख रही है कि कौन कौन इसमें लोग थे, कितना उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनके पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का तो बहुत स्टेक लगा है, ये बच्चे घर से पढ़ने आए हैं, माँ बाप की कितनी आशाएं हैं, हमारे बच्चे हैं ये, हमारा भी स्टेक है उनके ऊपर, देश का भी स्टेक लगा हुआ है, माँ बाप का भी स्टेक लगा हुआ है। इस तरह से अगर करेंगे तो फिर कल को क्या करेंगे ये लोग। सर मानिए अगर इन बच्चों ने आपसे या DU एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी होती, तब क्या आप BBC की जो मोदी पर डॉक्यूमेंट्री है वो स्क्रीन होने देते? नहीं, देखिए ये वैसे तो ये हाइपोथेटिकल सवाल है जी। लेकिन ये सेंसिटिव इशू है, ये एक सेंसिटिव इशू है। अगर ये इस तरीके से करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो एग्जामिन करते, हमारी कमेटी है वो देखती फिर करते, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और सर हमने सुना था कि आपको भी कुछ जानलेवा धमकियां दी गई थी उस दिन, जिस दिन ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ। मतलब उन्होंने पुलिस को कंट्रोल रूम में ही फोन किया, 2 बार ऐसा हुआ है कि कंट्रोल रूम को ही फोन किया है कि हम मारेंगे वाइस चांसलर को, मतलब हत्या करेंगे उसको, तो चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी के कहने से ना कोई मरता है।
और तो आपको डर नहीं लगता है जिस तरीके का नहीं, डर की माहौल? तो कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि हम ऐसा कुछ करते भी नहीं है। दूसरा, एक एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यदि इस तरह से करता है और कहता है कि मुझे ये काम नहीं करने दोगे तो मैं वाइस चांसलर की हत्या कर दूंगा, ये कितना ज्यादा समझिए कि वैल्यू सिस्टम का इरोजन हुआ है सिस्टम में, कि आप ऐसा सोच कैसे सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें इस पे विचार की तो जरूरत है कि विरोध प्रदर्शन है तो विरोध कितना, अगर ये सब है तो ये कितना जाना चाहिए। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अतिवाद को फैलाते हो, ये तो टॉलरेट नहीं होगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी विरोध प्रदर्शन का जो राइट है, डेमोक्रेटिक वे आप करिए ना, कौन रोक रहा है उसको? राइट तो ठीक है, डेमोक्रेसी है तो सबको राइट है, उसका एक तरीका है। हमारे यहां तो रोज ही विरोध प्रदर्शन होते हैं ना, लेकिन अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी को तोड़ोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो वो तो नहीं हम करने देंगे कि कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करेगा, या पुलिस के साथ मिसबिहेव करेगा, या हमारे टीचर्स के साथ मिसबिहेव करेगा, ये तो हम टॉलरेट नहीं होने देंगे। हाँ, आपका तरीका आप कीजिए ना, डेमोक्रेसी है, हमको कहाँ फर्क पड़ रहा है। आप रोज कर ही रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो रहा है, रोज ही चल रहा है, कोई ना कोई तो विरोध चलता ही है यूनिवर्सिटी में। कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट योर व्यूज, और अपोजिट व्यूज को हम इज्जत भी करते हैं, वैसी बात नहीं है। बिल्कुल। और सर, इसी के साथ जो छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, तमाम जो चैलेंजेस आप भी फेस करते हैं, आप अपने आप को जब वाइस चांसलर की सीट पर देखते हैं, तो आपके लिए क्या वो चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और इसमें कहाँ मतलब कोई बाधाएं आप देख रहे हैं अभी आपके विजन पे? मुझे तो कोई वैसे बाधा तो कोई नजर आती नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे घरों से आते हैं, और बड़ी पूरा उनकी उनसे मिलो, बात करो, तो देखो कितना एनर्जी है, कितना सब कुछ वो अच्छा सोचते हैं। और मैं मानता हूँ कि हमको ये भी उनको समझाना चाहिए बार बार कि देखिए बेटा, ये अपना देश है, इसकी चिंता हमको करनी है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। और हम जैसे जैसे ताकतवर होते जाएंगे ना, हमारे खतरे बढ़ते जाएंगे देश पे, जब तक आप कमजोर होते हैं खतरे कम होते हैं। इसी कारण से हमें तो सजग नागरिक तैयार करने हैं, समाज ने, देश ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, तो टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे सजग, देश प्रेम से भरे हुए नागरिक तैयार करना। अदरवाइज क्या है, कई बार ऐसा लगता है कि मतलब हमारे अंदर अगर देश विरोध की बात आए तो कैसे आ सकती है? इसका मतलब काम स्कूल में नहीं हुआ, काम यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, वहां पर हम फेल होते हैं, मैं फेल होता हूँ, शिक्षा फेल होती है, मेरे टीचर्स हम सब फेल होते हैं। उस तरीके की चीजों की भी चिंता करना कि ये है देश, है तो हम हैं, हम इससे बाहर नहीं है, और ये हमारा है, इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और कोई नहीं करेगा, तो ये भाव भावना करना कि राष्ट्र प्रेम कमजोर ना पड़ जाए, ये एक बहुत आवश्यक है जिस पर कि हमें विश्वविद्यालयों में काम करना चाहिए। सर, तो इससे जो रिलेटेड अगर आप देखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो भारत में आने की जिनकी बातें हो रही हैं, जो चर्चा में है इस वक्त, क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप में हमें देखने को मिलेंगी, या फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या आई अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कंपटीशन में रहेंगी, और ये कितनी हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक चैलेंज हो सकता देखिए, है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अभी गाइडलाइंस लाए हैं ताकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस यहाँ बना सकती हैं, तो ये अच्छा स्टेप है। कारण क्या है, देखिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है ना। मैं तो मान के चलता हूँ कि कोई भी चीज जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है वो बुरी नहीं है, पहली बात तो। वो आए, हमारे बच्चे पढ़ेंगे वहाँ, और जिसको एडमिशन होगा, जो उनकी फीस को पे कर पाएगा, या अच्छी शिक्षा वो देंगे, अच्छी बात है। जहां तक हमारी बात है, हमारा अपना एक सेटअप है, हमारी अपना एक विश्वविद्यालय है, हम उनके साथ कॉम्पीट करेंगे, और हम तो सक्षम है कॉम्पीट करने के लिए किसी के साथ भी, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात थैंक करने के लिए। यू।